ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल्हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना अल मक्कील मदनील क़राशील हाशमी मौलाना अबिल क़ासिम। अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही तय्यिबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतज़बीन अल मुंतख़बीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। मिन लैलतिना इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين। इस अशरे मजालिस की आज पांचवी मजलिस है और इससे कबल चार मजालिस में जो कुछ मैंने जिक्र किया वो आपके अज़हाने आलिया में होगा। क्योंकि कल की तारीख इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम लिहाजा मुनासिब ये होगा कि जो वक्त बचा है उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जी का तज़किरा किया जाए। क्योंकि हम उन अय्याम से गुजर रहे हैं कि जिसमें हमारे इमाम इस दुनिया से अलविदा कह करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए हैं। यकीनन कल मैंने अर्ज किया, परसों की मजलिस में अर्ज किया था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम बेटों के नाम अपने बाप हजरत अली अलैहिस्सलाम के नामे नामी पर रखे और अपनी तमाम बेटियों के नाम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम। लिहाजा वो सब बातें कि जो कल अर्ज की थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से वो आपके अज़हाने आलिया में है। आज की बात मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सिलसिले इमामत की चौथी कड़ी और सिलसिले इस्मत की छठी कड़ी। आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा गया क्योंकि आप इबादत गुजारों के लिए ज़ीनत हैं और आपको सैयदुस साजिदीन कहा गया क्योंकि आपसे बेहतर और आपसे ज़्यादा सजदे करने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस तमाम इबादतों के बावजूद कि आप ज़ैनुल आबिदीन भी हैं और आप सैयदुस साजिदीन भी हैं, जब किसी ने सवाल किया कभी तकब्बुर नहीं किया, कभी गुरूर नहीं किया, कभी अपनी इबादतों को बड़ा नहीं समझा, कभी उन्हें अजीम नहीं जाना। इसलिए कि हमारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में उस अजीम के सामने ये इबादतें अजीम नहीं हो सकती। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने कभी ये ख्याल नहीं किया कि मैं इतना बड़ा इबादत गुजार हूँ, मेरा मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। बल्कि चाहने वाला आया और आने के बाद उसने सवाल किया, फरमाते रसूल आपकी इबादतें ज्यादा हैं या आपके जद हजरत अली अलैहिस्सलाम की इबादतें ज्यादा हैं। तो जैसे ही ये सवाल किया एक मर्तबा इमाम ने अपने बेटे हजरत मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बेटा जरा वो किताब ले आओ कि जिसमें मेरे जद्दे अमजद हजरत अली अलैहिस्सलाम की इबादतों का जिक्र है। जब वो किताब इमाम ने मंगाई तो अपने चाहने वाले से कहा कि देखो मेरी इबादतें ही अपनी जगह हैं कि मैं सजदे करता हूँ, मैं रुकू करता हूँ, मैं सारी रात मुसल्ला इबादत पर रहता हूँ, लेकिन
क्या कहना मेरे जद्दे अमजद की इबादत का, कि एक एक रात में एक एक हजार रकत नमाज अदा किया करते थे और मुसल्ले इबादत पे जब जाते थे तो खौफे इलाही से इस तरह से तड़पते थे और इस तरह से जो है वो मुसल्ले पे सजदे की हालत होती थी कि जैसे जिस्म में जो है वो रूह बाकी न रही है। और ये हुआ, तारीख में मौजूद है कि किसी सहाबी ने आकर के जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ दफ्तर बात किया और कहा कि ए नबी की बेटी ए ज़हरा, मैं अभी मस्जिद से आ रहा हूँ, मैंने अली को अजीब आलम में देखा है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद अली इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पर्दे के पीछे से पूछा कि तुमने किस हालत में देखा, कहा कि मैंने देखा कि मुसल्ले पर इस तरह से आप सजदे की हालत में हैं कि जैसे कोई चादर या कपड़ा पड़ा हुआ हो और उसमें किसी तरह की कोई हरकत ना हो। इसलिए ख्याल गुजरा कि शायद हजरत अली अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, क्योंकि नफ्स की आमद और रफ्त जो है वो इंसान की जिंदगी का पता देती है। तो तारीख कहती कि जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब में इरशाद फरमाया कि नहीं अली बख़ैर हैं, तुम अपने घर को जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हालत तो हजरत अली अलैहिस्सलाम पर नमाज की हालत में आमतौर पर हुआ करती है। हुआ करती है और यही वजह थी कि किसी जंग में आपके तीर लग गया और वो तीर जब भी खींचा जाता था तो बड़ी तकलीफ पहुंचती थी। लेकिन नबी अकरम से जब लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह इसका क्या तरीका हो सकता है कि अली के पैर में जो तीर का कोई हिस्सा था, वो जो फरमाए कोई पूरा तीर नहीं था, तीर का एक हिस्सा टूट गया था, सही कहा कि अगर इसको हम निकालना चाहें तो किस तरह से निकालें, क्योंकि तीर की जो नौइयत है वो जरा मुख्तलिफ होती है। आप देखते हैं एरो के निशान बने होते हैं, उससे वही तीर था पहले जमाने में, तो जो फरमा रहे यानी आगे से एक नोक होती है और पीछे से इसके दो हिस्से हो जाते हैं, तो जब वो जिस्म में घुस जाता था तो उसको निकालना इतना आसान नहीं था, बल्कि उसे जो बहादुर हुआ करते थे जंग के मैदान में और वो देखते थे कि ये तीर हमें परेशान कर रहा है तो उस तीर को तोड़ दिया करते थे, निकालते नहीं थे, तो फरमाए ताकि जंग को जारी रख सके, उस तीर को तोड़ दिया जाता था। लिहाजा मौलाए कायनात के पैर से वो तीर जब भी निकालना चाहते थे तो मौलाए कायनात को बहुत अज़ियत होती थी। नबी अकरम ने फरमाया कि अगर इस तीर को निकालना है तो बहुत आसान तरीका है, जब अली को मुसल्ले इबादत पे पाओ और इसे इबादत करते हुए देखो, ऐसे आलम में तीर को निकाल लेना अली को एहसास भी ना होगा। क्यों? इसलिए कि अली की पूरी तवज्जो अपने खालिद की बारगाह में, अपने खालिद की बारगाह में होगी, लिहाजा इस तकलीफ की तरफ कोई तवज्जो नहीं करेंगे। और यही हुआ कि नमाज की हालत में वो तीर निकाल लिया गया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जहां जिनके मौला और जिनके आइम्मा रहमतुल्लाह इबादतों को इस अंदाज में अंजाम दिया करते हों, उनके चाहने वालों को ये ज़ेब नहीं देता कि वो नमाज को सुस्ती में और गफलत में छोड़ते चले जाएं और नमाजों से दूर होते चले जाएं, इबादतों से दूर होते चले जाएं, नहीं, अहले बैत रहमतुल्लाह ने ये नमाजें कायम करके सारी सारी रात मुसल्ले इबादत पे गुजार के दुनिया वालों को बताया कि देखो हम मासूम हैं, हमें किसी अजाब का खौफ नहीं है, जन्नत हमारी मिल्कियत है, कौसर हमारी मिल्कियत है, हूरें हमारी मिल्कियत है, ये कायनात हमारे सत्ते में बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम खालिद को खालिद समझते हुए और अपने आप को मखलूक समझते हुए उसका सजदा करना अपना फख्र समझते हैं। लिहाजा अगर तुम हमारे चाहने वाले हो तो तुम्हारा फख्र भी यही होना चाहिए कि तुम खालिद की बारगाह में मखलूक बन के आना, कभी खालिद बनने की तमन्ना न करने लगना। ऐसा नहीं गिरामी, सलवात पढ़ करके थोड़ा थोड़ा आप हजरात करीब आ जाए। मेरी अपनी भी एक जो है वो दिक्कत है कि मैं कम मजमे में बहरहाल जबान बहुत गुमराह करती और मजमा जैसे बढ़ता जाता वैसे मैं मजलिस में घूमता जाता, वो आप भी देख रहे हैं, आप भी मुशायदा कर रहे हैं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम लोग चाहने वाले से एक बात और उसकी, और वो ये कि तू मेरे सजदों को देख रहा है, तू मेरी नमाजों को देख रहा है,
तू मेरे मुसल्ले पे जिंदगी गुजारने को देख रहा है, लेकिन क्या कहना उस मेरे जद्द अमजद की इबादतों का कि जिसकी एक जरूरत जो है वो सकलैन की इबादतों पे भारी करार दी गई है, जिसकी एक जरूरत सकलैन की इबादतों पे भारी करार दी गई हो, तो जिसकी एक जरूरत जो है वो कयामत तक इबादत करने वालों की इबादत से भारी करार दे दी जाए, उसकी और जरूरतों का क्या आलम होगा और उसकी इबादतों का क्या आलम होगा। इमाम ने ये सब क्यों फरमाया कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे नफ्स में गुरूर पैदा हो जाए कि मुझसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं है। तो जो फरमा रहे लिहाजा जब मस्जिद में जाइए और नमाजें अदा कीजिए और निकलते हुए कोई देख ले तो जहन में ये ख्याल ना आने पाए कि ये कहेगा मैं बड़ा नमाजी हूँ। तो जो फरमा रहे ये लोग ये समझे कि मैं बड़ा नमाजी हूँ, या लोग बाहर निकल के तारीफें करें कि हुजूर वो बड़ी देर देर तक मुसल्ले में रहते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, दाती बात पढ़ते हैं। नहीं, जहां ये तसव्वुर पैदा हो गया कि कोई देख करके मेरी तारीफ करने लगे, बस समझ लो वही इसी को कहा गया कि ये रिया है और ये ही अमल को बातिल करार दे देती है। तो जब हमारे ये अमल को बातिल करार दे देती है। शिर्क दो तरह के हैं, एक शिर्क है शिर्क जली। तो जब हमारे शिर्क जली किसे कहते हैं कि अल्लाह का किसी को शरीक करार देना, ये है शिर्क जली। जली जली जीम लाम ये यानी रोशन शिर्क, वाज़े शिर्क। मतलब फरमाएं शिर्क जली इसे कहा जाता है अरबी ज़बान में, शिर्क जली यानी किसी का किसी को अल्लाह का शरीक करार देना। मसलन बुतों की इबादत करना, मुजस्समों को पूजना, दरख्तों पे जाकर के जो है वो डोरे बांधना या इस तरह के काम करना, हैवानात की पूजा करना। अमर ये इंसान को हो क्या गया है? अगर ये अपने आप को समझ लेता और इसे ये मालूम हो जाता कि मैं कौन हूं, और जो फरमाए अगर कोई अपने नफ्स को पहचान ले के वो कौन है तो फिर कायनात के अंदर उससे बेहतर कोई शय नजर नहीं आएगी। तो जो फरमाए क्योंकि जितनी भी मखलूक है वो सब इंसान से कमतर है और ये तमाम मखलूकात से अफजल बरतर है, तो ला मुहाला ये अपने कमतर के सामने कभी अपने सर को नहीं झुकाएगा। लेकिन शिर्क की जितनी भी किस्में हैं वो क्यों पैदा हुई कि इंसान ने खुद अपने आप को नहीं पहचाना। तो जो फरमाए इंसान ने अपने आप को नहीं पहचाना, अगर ये अपने आप को पहचान लेता तो सिर्फ उसी के सामने सर को झुकाता जो सबसे बुलंद वाला है और वो इस कायनात में कोई है ही नहीं सिवाय खुदावंद आलम के। जो फरमाए तो ये अपने सर को ना झुकाता, इसका जगह जगह सर झुकाना बता रहा है कि इसने कायनात को तो समझ लिया लेकिन अपने आप को नहीं समझा। जो फरमाए अपने आप को नहीं समझा, और यही जुमले हमारे मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाए। क्या कहा? फरमाते के कौन इबादत करेगा खुदा की और कौन पहचानेगा खुदा को, कौन समझेगा खुदा को? फरमाते मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये नफ्स से रब का क्या ताल्लुक है? इसलिए कि तुझसे बेहतर किसी को मैंने खल्क नहीं किया है, तू ही मेरी आखिरी तखलीक है, तू ही मेरी पहली तखलीक है, तुझे तमाम कमालात देकर के जमीन पे भेजा है, लिहाजा तू अपने आप को पहचान ले। जब अपने कमाल को पहचान लेगा तो मेरा कमाल तेरी समझ में आने लगेगा। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। छुपा हुआ शिर्क, ये छुपा हुआ शिर्क क्या है? ये है रिया, दिखावा। तो फरमाए ये भी शिर्क है। क्यों? जब मैंने ये नियत की कि ये मेरी तारीफ करे, दिखाने के लिए कुछ जिक्र किया, दिखाने के लिए इबादत की, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया या नहीं आया कि मैं इनको दिखाना चाहता हूं, यानी इनसे अजर चाहता हूं। तो फरमाए इनसे कुर्बत चाहता हूं, इनसे अजर चाहता हूं, जबकि इबादत को खुदावंद आलम ने अपने से कुर्बत चाहने के लिए रखा। इसीलिए शर्त रखी कि जब भी इबादत करना तो कुर्बतन इलल्लाह करना। और जो फरमाए कुर्बतन इलल्लाह करना, तो इसका मतलब ये इबादत उससे करीब करती है। मैंने रिया करते हुए किसी और से करीब होना चाहा तो उस इबादत को मैंने जरिया बनाया कि इस मखलूक को खुदा का शरीक करार दे दिया। तो जब हमारे मखलूक को खुदा का शरीक करार दे दिया, इसीलिए इसे कहा गया रिया को कि ये शिर्के खफी है। अब रिया कोई भी करे, तो जो हमारे रियाकारी का से कोई भी काम ले, चाहे वो जितना बड़ा हो, चाहे आलिम हो, जाहिल हो, सही है, और चाहे जिस मंजिल में रियाकारी करे, जरूरी नहीं है कि खाली नमाज ही में रियाकारी नमाज को बातिल करार दे देगी। नहीं, फर्शे आज़ा को भी अगर दिखाने के लिए बिछाया जाए है? और तबर्रुक भी अगर लोगों को दिखाने के लिए बांटा जाए, अपनी हैसियत को मनवाने के लिए बांटा जाए,
तो ये तबर्रुक, ये मजलिसें, ये फर्शे अदा, ये अदादारी, ये फिर रिया में शामिल हो जाएगी, और जो चीज रिया में शामिल हो जाएगी वो काबिले कबूल नहीं है। लिहाजा जो काम इंसान कर रहा है उसे चाहिए कि सिद्क नियत के साथ करे, उसे चाहिए सिद्क नियत के साथ करे, उसमें खुलूस हो, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए हो, खुदा की मर्जी के लिए हो, अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात के लिए ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी मेहनत की कमाई से खरीद करके आजाद किए, कितने गुलाम? 1000 गुलाम। और ये वो रिवायात हैं कि जो कुतुबे अहले सुन्नत में भी मौजूद हैं, उलमा अहले सुन्नत ने भी इसका एतराफ किया, इसका एतराफ किया कि हां मौलाए कायनात ने अपनी जिंदगी में 1000 गुलाम अपनी मेहनत की कमाई से, तो जो फरमाए अल्लाह की राह में खरीद करके आजाद किए। और ये वो अली है जिसका आज हम तज़किरा कर रहे हैं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए तारीख ये बताती है कि जिस वो ताक का बाग था और बाग में आप तशरीफ ले गए तो क्या देखा कि गुलाम के जिसके जरिए दूसरे गुलाम के जरिए गुलाम को खाना भेजा था, जब वो खाना लेकर के पहुंचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उसे खाना खाते हुए देख रहे थे, सामने कुत्ता बैठा हुआ था, इस गुलाम ने एक लुकमा खुद खाता था और एक लुकमा कुत्ते को डालता जाता था। तो जब हमारे अब कल की बात को आप जहन में रखिएगा, कल मैंने कहा था कि वो इस्लाम इस्लाम नहीं है कि जो मुसलमान को कत्ल करने का हुक्म दे रहा हो, जो इंसान के गले में छुरी चलाने का हुक्म दे रहा हो, तो जो फरमाए वो इस्लाम इस्लाम नहीं हो सकता। ये वो इस्लाम है जो चोर दरवाजों से मिला है, और वो इस्लाम के जो एक जानवर के लिए एहतराम का हुक्म देता है वो इस्लाम है जो नबी अकरम और कुरान से मिला है। इमाम ने कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम एक लुकमा खुद खाते हो और एक कुत्ते को फेंकते हो। तो उसने कहा कि फरमाए रसूल, आपकी सोहबत में रहते हुए, आपके साथ रहते हुए अगर मैं इतना भी ना सीख सकूंगा तो मेरे ऊपर अफसोस है, हैं? मेरे ऊपर अफसोस है कि आपकी गुलामी में रहूं और ये मुझे इल्म ना हो सके कि कोई जानवर बैठा हुआ मुझे खाते हुए देख रहा हो और मैं खुद खाता रहूं और जानवर भूखा बैठा रहे। पर जैसे ही मेरे मौला ने जुमले सुने कहा गुलाम मेराज की उस मंजिल में पहुंच चुका है कि जब इसे आलिम कहा जाए, जब इसे फकीह कहा जाए, तो एक मरतबा इमामत जो है वो गोया हुई कि जाओ हमने तुम्हें अल्लाह की राह में जो है वो जो है आजाद किया, बस खुदा की राह में इसको आजाद करना था। जैसे ही खुदा की राह में आजाद किया, इसने एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शान में एक आयत पढ़ी जिसके माना ये है कि खुदावंद आलम ने दोस्त रखता है कि जो गुलामों को आजाद करते हैं। जैसे ही आयत की तिलावत की, इमाम ने फरमाया हमने हदीये में, क्योंकि तुमने ये आयत तिलावत की है और इसका मतलब कुरान पे तुम्हारी नजर है, लिहाजा हम इसके बदले में तुम्हें ये बात अता करते, इसके बदले में हम ये बात अता करते हैं, लिहाजा वो बात इमाम ने अता किया। तारीख ने लिखा कि अपनी जिंदगी में 400 गुलाम, फरमाए 400 गुलाम खरीद करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने राह खुदा में आजाद किए, 400 गुलाम। तो फरमाए अज़ीज़ाने किरामी, ये कोई मामूली बात नहीं है, जो इमाम इतनी मुसीबतों में जिंदगी गुजार रहे हो कर्बला के वाके के बाद, उसके बावजूद उन्हें गुलामी से लोगों को आजाद कराने की इतनी तमन्ना है कि जब पैसे बच जाते हैं तभी किसी गुलाम को खरीदते हैं और उसे राह खुदा में खरीद के आजाद कर देते हैं। इस्लाम ये चाहता था कि इस दुनिया के अंदर हमने इंसान को आजाद पैदा किया है, खुदा की तरफ से ये आजाद आया है, लिहाजा इसे किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए और किसी को नहीं चाहिए कि वो अपना गुलाम किसी को बनाए। पर इसी मंशा और इसी मकसद को लेकर के अहले बैत अलैहिस्सलाम ने तूले तारीख में किरदार पेश किया कि देखो अगर हमारे चाहने वाले हो तो हमारे जद के घर में, हमारी जद्दाए वाजिदा के घर में एक कनीज थी जिसे जाहिरन कनीज कहा जाता है, हकीकत यह है कि कनीज नहीं थी, कभी अहले बैत ने उसे कनीज नहीं समझा। यह हमारी जबान है उर्दू जबान कि इसकी मजबूरियां हैं कि हम उसे सिर्फ लफ्ज कनीज के अलावा और दूसरे लफ्ज से ताबीर नहीं कर सकते। तो जो फरमाए ये हमारी उर्दू जबान की कमजोरी है, वरना जहरा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने, मौलाए कायनात ने या रसूल अकरम ने कभी भी जनाबे फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा को कनीज नहीं समझा। देखिए कनीज क्या होते हैं, और आज भी ये कैफियत है, मैं बार बार कहता रहा हूं कि 1400
ठीक लफ्जों को बदल लीजिए, कल वो कनीजी और गुलामी था वो लफ्ज, और आज जो है वही लफ्ज नौकर और नौकरानी है, सही, और कोई फर्क नहीं हुआ है। तो जब हमारे तो ऐसाने गिरामी कौन चाहता है, कभी ऐसा हुआ कि ये थका हुआ आया है, क्यों ना आपकी बार मैं बाजार चला जाऊं, इतने ही आराम कर लेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसका मतलब जो 1400 साल पहले फितरत थी इंसान की कि वो गुलाम से तमाम घर के काम लेना चाहता था, खुद आराम करना चाहता था, वही फितरत आज भी है। अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम का दरवाजा ना होता और अहले बैत का घर ना होता तो लोगों को ये पता न चलता कि गुलाम की अहमियत क्या है, कलीज की अहमियत क्या है। लिहाजा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब फिज़ा से एक दिन का काम करा के और दूसरे दिन खुद काम करके पूरी आलम इंसानियत को एक पैगाम दिया कि देखो हमारे यहाँ इंसान गुलाम नहीं समझा जाता, आता तो गुलाम बन के है लेकिन फैमिली मेंबर बन जाता। हमारे घर के अफराद में शुमार होता है। तो ये है अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिन्होंने इंसानियत को बताया कि गुलामी को हर शक्ल में गुलाम की उस मत देखना, कनीज को हमेशा कनीज की शक्ल में नहीं देखना, बल्कि वो तुम्हारी खिदमत के लिए आई है तो कभी उसको भी आराम लेने देना है। आज 1400 साल के बाद जो है वो दुनिया का निजाम यहां पहुंचा कि जी एक दिन की छुट्टी तो होनी चाहिए है, 1400 साल के बाद एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए, संडे छुट्टी कर लो, सही है ना भाई, ये भी मजदूर है, ये भी बच्चों में जिंदगी गुजार लेगा है, ये भी बच्चों में जिंदगी गुजार लेगा, एक दिन की छुट्टी तो इसे दे दो। लेकिन खुदा की कसम ये अहले बैत बता रहे थे कि इंसानियत का मर्तबा क्या है उसे समझो, जो भी है चाहे काला हो गोरा हो, चाहे वो मोटा हो चाहे वो पतला हो, चाहे कहीं का रहने वाला हो, अफ्रीका का हो अमेरिका का हो हिंदुस्तान का हो पाकिस्तान का हो, इसकी बहस नहीं है। तो जो फरमाए बस सिर्फ एक ही बहस है इस्लाम के अंदर कि किसी को अपना गुलाम न बनाने की कोशिश करना और किसी को अपनी कनीज बनाने की कोशिश न करना, बल्कि गुलामों को आजाद करके बताना, कनीजों को आजाद करके बताना कि तुम भी तो किसी के बंदे हो। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ यही इंसान का हक है कि हर इंसान उसका बंदा बने, उसके अलावा किसी का कोई बंदा ना। सलाम अलैहि मोहम्मद वाले होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक जैसे ये सामईन किराम ये हजरात मेरी तल्ख गुफ्तगू को जो है वो कड़वे घूंटों की तरह पीते रहे हैं, आज भी थोड़ा सा सब्र कर लेंगे, सही। लेकिन एक बात पहुंचाना चाहता हूं, वो ये कि एक लफ्ज हमारे इमाम के साथ जुड़ गया, ऐसा लगता कि ये इमाम का कोई दूसरा नाम हो गया, जैसे किसी इंसान के दो नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जो फरमाए वैसे ही ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे ये एक और नाम है हमारे इमाम का है, बीमार। अब ये क्या है बीमार, तो फरमाए बीमार क्या है, जब देखिए नूह के सिलसिले में मर्सी सुनिए, बीमार 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 बीमार, यानी कौम ने मसीहा को बीमार बना दिया, कौम ने मसीहा को बीमार बना दिया, वो शिफा बख्शने के लिए आया था, बीमारियों को दूर करने के लिए आया था ना, तो बीमार होने के लिए। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ये बीमार का लफ्ज इतना इस्तेमाल हुआ हमारे इमाम के साथ कि तसव्वुर ज़हन में आने लगा, हमेशा बिस्तर पे रहते होंगे, डंडे का सहारा आशा का सहारा लेके चलते होंगे, लाठी हाथ में होती होगी, कोई बच्चा होता होगा जो उन्हें जो है रास्ता जो है वो तजावुज करता होगा, आइए हुजूर यहां से नहीं यहां से आइए, है या नहीं, तसव्वुर आता बीमार के साथ या नहीं आता, यही तसव्वुर होता बीमार के साथ। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी ये बीमारी कहां से शुरू हुई और कितनी देर की थी ये समझने की जरूरत है, काश जितनी देर की बीमारी थी उतनी ही देर हम उन्हें बीमार समझते। चार नौजवान बैठे हुए हैं, तस्करा ईमान का होता, मेरा बीमार ईमान, भाई कहां थे बीमार ईमान, कितनी देर के लिए थे, क्या कोई इंसान दुनिया का ऐसा जो कभी बीमार ना हुआ हो, मुझे इंसाफ से बताइए, भाई कोई दुनिया का इंसान ऐसा, आपके अपनी फैमिली में भी देख लीजिए, अपने खानदान में अपने घर में देख लीजिए कि हर इंसान बीमार होता या नहीं होता, लेकिन जब वो सही हो जाता तो आप उसे बीमार, उसका नाम तो आप बीमार नहीं रख लेते, लेकिन
लेकिन ये आप हमने इमाम के साथ क्या किया है? कि हम बीमार ही कहने लगे, लकब हो गया एक तरह का बीमार। ऐजान गिरामी, करबला के मैदान में जिस वक्त जो है फौजें आने लगी, यजीदी फौजें आने लगी, और मुस्लिम इब्ने औसजा जो सहाबी हैं इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लिहाजा जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ने जनाब सैयद सज्जाद से पूछा, ए सैयद सज्जाद की इतनी फौजें आ रही हैं और हमारी तादाद कम है, तो कल तुम्हारा इरादा क्या है? अगर जंग हो जाए तो तुम क्या करोगे? अगर जंग हो जाए तो तुम क्या करोगे? तो इमाम ने फरमाया कि बस मुझे मेरे बाबा से इजाजत दिला देना, फिर ये फौजें क्या हैं? सैयद सज्जाद की जंग देखना, अगर अली के मार के याद न दिला दूं तो अली ना कहना। लिहाजा ये गुफ्तगू हो रही थी, ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस गुफ्तगू को सुन लिया। इमाम जानते, देखिए मुस्लिम इब्न औसजा नहीं जानते कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो मार्का है और जो जिहाद है वो करबला में नहीं, करबला के बाद है, वो करबला के बाद है। लिहाजा ये सहाबी है मुस्लिम इब्न औसजा, इनको शायद इस बात की खबर नहीं थी कि इनका जिहाद करबला के बाद शुरू होगा, इस जंग के बाद शुरू होगा, इन कत्ल होने वालों के बाद शुरू होगा। लिहाजा मुस्लिम इब्न औसजा ये बयान कर रहे थे, इमाम ने जब सुना तो इमाम तो जानते थे कि ज़ैनुल आबिदीन का जिहाद यहाँ नहीं, ये जिहाद की जगह नहीं है। हर एक की अपनी जिम्मेदारी थी करबला के मैदान में, कोई जज्बात की बात नहीं थी, एहसासात की बात नहीं थी, कोई ये नहीं था ये ना जाए वो जाए, ये ना जाए वो, ये कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं थी, हर एक की अपनी जिम्मेदारी थी। इमाम हुसैन की जिम्मेदारी करबला में असर आशूर तक थी, और फिर असर आशूर के बाद इन कुर्बानियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारे चौथे इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर थी। लिहाजा इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जोश देखा अपने बेटे का और ये बलबला ये हौसला देखा, तो एक मरतबा रोजे आशूर खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ की, और ये मसलहत है, ये मसलहत है कि अगर कोई इंसान बीमार ना हो तो जो कीजिएगा, हुक्म शरई ये है कि अगर इमाम बुलाए और कोई उज्र ना हो तो जरूरी है कि वो जिहाद में जाकर के जंग करे, तो जो फरमान मैदान में जाकर के जंग करे अगर उज्र नहीं है। लिहाजा खुदावंद आलम से दुआ की, मेरे माबूद नस्ल इमामत को भी बाकी रहना है, नस्ल इमामत को भी बाकी रहना है, और इन बेवाओं के काफिलों को भी पहुंचना है, और साथ साथ इस कुर्बानी को भी बाकी रहना है, और ये कुर्बानी को बचाएगा मेरा लाल। लिहाजा इससे पहले कि इसके ऊपर जिहाद वाजिब हो जाए, यानी जिहाद करबला वाजिब हो जाए, तो इसको एक ऐसा उज्र अदा कर दे कि ताकि इसके ऊपर वो जिहाद वाजिब ना हो सके। लिहाजा इमाम को वक्ती तौर पे बुखार तारी हुआ, और जो फरमाए वक्ती तौर पे मसलहत की वजह से, मशीयत इलाही की वजह से, मशीयत इलाही की वजह से, वरना हमारा अकीदा है कि इमाम को कौन सी चीज जो कमजोर कर सकती है दुनिया के अंदर, जो कायनात का मालिक हो उसे कोई शय जो है वो कमजोर नहीं कर सकती। सलाम पढ़ मोहम्मद वाले हराम में मुब्तला हुए और मासूम हराम में मुब्तला, यानी इस्मत को खतरा है, तो जो फरमाए इस्मत को खतरा है, लिहाजा मसलहतन बुखार जो है वो दिया गया खुदा की तरफ से, तो जो फरमाए। अच्छा उसके बाद आप मुझे बताइए कि इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नौके नेजा पे बुलंद हुआ, उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, तो अभी जो बीमार था वक्त शहादत तक वो अचानक से सही कैसे हो गया? तो जो फरमाए इसका मतलब ये है कि ये मसलहत इलाही थी कि शहादत तक बीमार रहो, उसके बाद मसीहा बन जाना, कौमों को शिफा देते चले जाना। सलाम अलै मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस बीमार ने एक तसव्वुर पैदा कर दिया कौम के अंदर, और सुनिए बड़ा गौर से आप, ईरान के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में, ये उलमा ने लिखा, ईरानी उलमा के शहादत के सिलसिले में एक साहब मजलिस बर्पा करते थे, ताबूत भी डलता था, और उसके बाद जो है वो शोरबा वहां की जबान में, यानी कोई जैसे आपका खिचड़ा, सही है, हलीम,
उस तरह का कोई खाना था कि जो आने वालों को पेश किया जाता था, क्यों कि इमाम की शहादत की तारीख है, तो उसे इतना बदमजा बनाया जाता था, सही है, जैसे बीमार का खाना होता है। आज हमारे यहां तो सबूर है, मेरे दादा मरहूम जो है वो गोश्त को पसंद किया करते थे, लिहाजा मजलिस में जो है गोश्त का कोई ऐसा प्रोग्राम करूं जो रूह खुश हो जाए। सत्य फरमा रहे, यानी दादा मरहूम के शौक का ख्याल है, खुदा के खौफ का ख्याल नहीं है। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो
हमारे जो रहनुमा ना बन सके, तो ऐजान ग्रामी इमाम को ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसे थोड़ा सा कम कीजिए। और नौह मर्सियों की हद तक बहुत है, उस मर्सिये में भी करबला के हवाले से जिक्र कीजिए कि इमाम करबला में एक मुद्दत के लिए बीमार थे। तो फरमाए करबला में एक मुद्दत के लिए बीमार थे, न कि इमाम को जो है हमेशा के लिए बीमार करार दे दिया जाए। तो एक ये मसला जिसको मैंने आपके सामने वादे किया है, ये जो बीमारी का तो है इसे करबला तक महदूद रखिए। मैं शोरा से भी गुजारिश करूंगा और जाकिरीन से भी और आप हजरात से भी कि जब भी कुछ इस तरह की बातें कहें या इस तरह के शेर कहें तो उसमें कैद लगाएं कि करबला में बीमार थे, ताकि पूरी जिंदगी उनकी बीमारी की नज़्म ना हो जाए और कोई गैर कौम का आदमी ये ना समझ ले पाए कि वो कायम कैसे हो सकता जो बीमार रहा हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो इसको हमें सोचना पड़ेगा, इस पे गौर फिक्र करना पड़ेगा, ये तसव्वुरात हमें कहीं ना कहीं से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अजीदाने गिरामी, अब आइए मैं आपके सामने अर्ज करूं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कैसे शिफा दी, कैसे जिला बख्शी, कैसे अकलों में गड़े हुए पर्दों को उठा दिया, कैसे बिके हुए जमीनों को बेदार कर दिया है। देखिए वो करबला का बीमार जो असरे आशूर तक बीमार था, जब वो कूफे में पहुंचा तो उससे बड़ा खतीब नहीं था। जो कल तक डरे हुए लोग बैठे थे वो अचानक से इब्ने ज़ियाद के सामने कैसे सर उठा
जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हम बात कहने से बात नहीं आते, कभी झूठ का साथ नहीं देते, मक्कारों का तलाबाजों का साथ नहीं देते, और तुम हो कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है उसके बावजूद बैठे हुए हो। तो ये सिपाही खड़ा हुआ या नहीं हुआ, किसकी वजह से? बाद में जो 5,000 का लश्कर तवाबीन का जनाबे सुलेमान बिन सबह खदाई की कयादत में बना, वो किस बुनियाद पे बना? कोई था कि जिसने इतना जमीरों को झंझोर दिया था कि हर इंसान तन्हाई में बैठ के सोचता था कि जो अली का बेटा, जो हुसैन का बेटा कह के गया है वो बिल्कुल सही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। 5,000 की तादाद में तवाबीन आए और उसके बाद मुख्तार सकाफी का खुरूज और इकदाम, जो खुद इस बात की दलील है कि कोई तो इनके सामने से ऐसा नमूने अमल गुजरा है जिसे देख के इनमें हौसले और जुर्रतें पैदा हो रही है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई तो ऐसा जरूर गुजरा इनके यहां से कि जिसकी वजह से जुर्रतें पैदा हो गई है। अच्छा, जब करबला, जब कूफे से निकले हैं तो कूफा, तारीख कहती 3 दिन से ज्यादा इब्ने ज़ियाद रोक नहीं सका। क्यों? कूफे के हालात खराब हो गए, कूफे के हालात खराब हो गए, सिर्फ 3 दिन रोक पाया। अब एक खुतबा और है इमाम का, खुतबे तो बहुत से दिए होंगे, तमाशाइयों को भी समझाया होगा जगह जगह, लेकिन तारीख ने उन्हें नकल नहीं किया। जितना नकल कर दिया वही सीरत सैयद सज्जाद को समझने के लिए काफी है, और ये समझने के लिए काफी है कि मैदानों में जंग लड़ना बहुत आसान है, अली का किरदार निभाना बहुत आसान है, तमाशाइयों में आपका बोलबाला पैदा कर देना ये बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा तारीख कहती है कि जनाबे सैयद सज्जाद जब शाम के दरबार में आ गए, और शाम के दरबार में आने के बाद आपने खुतबा दिया, कहां खुतबा दिया? जामे मस्जिद, दिमश्क की जामे मस्जिद, जिसे आज दरबार यजीद के नाम से याद किया जाता है। सही है, उस मस्जिद में तमाम मुसलमान और दूर दूर से आए हुए सफीर, दूसरी हुकूमतों के सफीर बैठे हुए थे, सफीर रूम भी मौजूद था वहां पर। जब इमाम ने देखा कि किसी एक शख्स को खड़ा कर दिया गया कि वो ये बताए कि उन्होंने फौज यजीदी ने किस तरह से इमाम हुसैन के लश्कर को कत्ल किया, और किस तरह से जो है वो ज़िबा कर डाले गए, और किस तरह इनकी औरतों को गिरफ्तार करके लाया गया। ज़ुहैर इब्न कैस ने यह तकरीर की जिसमें यह कहा कि हमने 2 घंटे के अंदर उन तमाम अफराद को तलवारों की जब में ले लिया, और वो जो है इधर उधर भागते फिरते थे उन्हें आमान नहीं मिलती थी। देखिए कितनी गलत तकरीर। तो जो फरमाए, इसीलिए कहते हैं कि जिस कौम के पास मीडिया नहीं होगा वो जगह जगह मार खाएगी, इल्जाम उसके ऊपर साबित होते चले जाएंगे। लिहाजा मीडिया से अपना ताल्लुक पैदा कीजिए, मीडिया बहुत जरूरी है। मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा करता है लोग उसी को सही समझ लेते हैं। और इमाम हुसैन का कमाल यही था, फरासत यही थी कि मदीने से चले बाद में थे शहादत के लिए, अपने साथ जो है अपनी खबरों को पहुंचाने वालों को पहले ले लिया कि यजीद तक खबरें बाद में, यजीद की आवाज बाद में उठेगी, जहां जहां से ये गुजरेंगे मेरी शहादत के फलसफे को समझाते चले जाएंगे। लिहाजा इनकी बात को तो कोई झूठा नहीं समझेगा क्योंकि ये कैद के आलम में होंगे। तो जो हमारे लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने शाम के दरबार में यजीद के सामने जब यजीद से कहा इजाजत है मेरी लकड़ियों पर चला जाऊं, इजाजत है क्या मेरी लकड़ियों के, यही जुमले हैं, यही जुमले हैं तारीख के, क्या इजाजत है कि मेरी लकड़ियों पे चला जाऊं? इमाम ने मिंबर नहीं कहा, इसलिए कि मिंबर उसे कहा जाता है जिस पे इस्लाम का बयान हो, कुरान का बयान हो, आले रसूल का बयान हो, और जहां जो है वो लगो बातें होने लगे, गुमराही का काम होने लगे, फिर वो मिंबर मिंबर नहीं है। शक्लें मिंबर हो सकती है, मिंबर नहीं हो सकता। मोहम्मद फरमाया मिंबर पे जाने के बाद जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें अपना तारुफ मैं खुद कराता हूं कि मैं कौन हूं। क्योंकि लोगों को बताया गया था तुम को दैलम के गुलाम हैं, कुछ ऐसे लोगों ने हमारे इमाम के खिलाफ बगावत की थी, उनके मर्दों को हम जो है वो उनको कत्ल कर दिया, उनकी औरतों को गिरफ्तार करके लेकर के आए हैं। लिहाजा इमाम ने फरमाया जो जानता वो जानता है, जो नहीं जानता अपना तारुफ मैं खुद कराऊंगा। इमाम ने कहा कि मैं साहिब मीना का बेटा हूँ, मैं साहिब समदम का बेटा हूँ, मैं साहिब खाने काबा का बेटा हूँ, मैं साहिब तवाफ का बेटा हूँ। जबकि एक मरतबा इमाम ने जो है वो तमाम फजाइल रसूल बयान करना शुरू किए तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये है कौन। आखिर में आपने फरमाया मैं नबी की बेटी का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूँ, मैं हुसैन का लाल हूँ जिसे करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ये शाम के लोग जितने आप ये समझते हैं, इसी शाम के अंदर दरबारी यजीद में रोने की आवाजें बुलंद हो गई। हमें तो ये बताया गया था कि ये तुर्क
तैयार उनके गुलाम हैं, हमें तो ये बताया गया था ये मुसलमान नहीं है, हमें तो ये बताया गया था इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ये नौजवान क्या कह रहा है, ये नौजवान क्या कह रहा है। अब जो है रोने की आवाज दरबार के अंदर बुलंद हो गई, यजीद घबरा गया कि अगर ये पूरा मजमा क्रिया कर रहा है इसका मतलब ये है कि इस सजादारी से पहले दिन यजीद को खौफ हो चुका था, कि इस क्रिया से इस मासूम से इस रोने से पहले ही दिन यजीद को खौफ हो चुका था कि अगर मेरे तख्त और ताज को कोई सैलाब बहा ले जाएगा तो यही आंसू होंगे। लिहाजा जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते हुए यजीद ने देखा कि इंकलाब के आसार पैदा हो रहे हैं, बस 5 मिनट लूंगा और इसके लिए नमाज रखा हूँ, सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले देखा यजीद ने कि इंकलाबी कैफियतें आ गई हैं। उधर हिंदा हिंद थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चाहने वाली थी, सौजा थी यजीद की, उधर एक बेटी थी यजीद की रमला जो इमाम हुसैन और अहले बैत की चाहने वाली थी, एक बेटा था यजीद माविया के जो इमाम का चाहने वाला था। अब घर में जाता है तो फैमिली के मेंबर लानत करते हैं, बाहर आता है तो मुसलमान कहते हैं कि हमसे ये गवारा नहीं होगा कि आले रसूल जिनके घरों से पर्दा चला था उनकी बेटियां उनकी नवासियां इस तरह बेपर्दा रहे, तो इंकलाब की कैफियत तारी हो गई। और ये खुतबे के दौरान ही हो चुकी थी, जहां जैसे ही खुतबे के दौरान उसने देखा सब हो रहे तो मौसिम को बुलाया, मौसिम को बुला के कहा जल्दी से आजान कह दो, जल्दी से आजान कह दो। तारीख में लिखा कि वक्ते आजान नहीं था, वक्ते आजान नहीं था, पर मौसिम जो है गुलदस्ते आजान पे गया और जाने के बाद अल्लाह अकबर कहा। अल्लाह रे मासूम किसे कहते हैं, तमाम परेशानियों के बावजूद मासूम के सामने जब अल्लाह का जिक्र होने लगा तो उन्होंने अपने जिक्र को छोड़ दिया, अपने जिक्र को छोड़ दिया। और एक मर्तबा फरमाते हैं मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह से बुजुर्गों वाला कोई नहीं है। उसके बाद मौसिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मैं गवाही देता हूं। इमाम ने फौरन कहा मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। जैसे ही मौसिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, फौरन इमाम ने कहा कि मौसिन तुझे इसी नबी का रास्ता इसी रसूल का रास्ता सिर्फ 2 मिनट के लिए ठहर जा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ ताकि मुसलमानों को पता चले कि इस नबी से हमारा रास्ता क्या है, हमारा वास्ता क्या है। एक मतलब यजीद को मुखातब किया जो तख्त में नीचे बैठा हुआ था, मिंबर के नीचे बैठा हुआ था। इमाम ने कहा कि यजीद ये बता कि ये जिनका नाम आजान में लिया जा रहा है, जिनकी नबूवत की गवाही दी जा रही है, ये तेरे नाना थे या मेरे, ये तेरे नाना थे या मेरे। अब यजीद के पास कोई जवाब न था, अगर कहे कि आपके तो अभी मुश्किल में फंस रहा है, अगर कहे नहीं है। इमाम ने ऐसी कहा ला करके यजीद को फंसाया कि ताकि तमाम मुसलमान देख ले कि हम किसके साथ है, नबूवत किसके साथ है, इमाम किसके साथ है। और वो 6 नाम जो रह गए हैं इंशाल्लाह कल मैं तस्करा करूंगा। कुछ नौजवानों ने आके मुझसे पूछा भी क्यों, और हुजूर ने भी कहा कि नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि जो हजरात दूर से आए उन्होंने जाना भी है। लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जब रिहा होने लगे तो एक और दलील कायम की, यजीद कहता चले जाओ इंकलाबी कैफियत तारी हो चुकी है, हुकूमत के गिरने का डर है, लोगों के खिलाफ होने का डर है, कहा जाओ तुम वापस चले जाओ मदीने रह लो चाहे यहाँ रहो, हम तुम्हें आजाद करते हैं, हम तुम्हें आजाद करते हैं। होना क्या चाहिए कि कैद में रहने वाला इंसान है जिसके तमाम अफराद कत्ल कर दिए गए हो, जितनी मुसीबतों में घिरा हुआ हो, उसे इस कैद से आजाद होते वक्त खुश होना चाहिए भाई, खुश होना चाहिए अभी खुश होना चाहिए था। और खुशी के आलम में जजीज से कह रहे थे कि हाँ हम मदीने जाना चाहते हैं। नहीं, इमाम ने एक जुमले महादा नहीं किए, एक बार फरमाते हैं कि यजीद मैं अपनी फूफी से मशवरा करूंगा। इसका मतलब यह है कि कैद करने वाले को डर लगने लगा, कैदी को खौफ नहीं है, है? कैद करने वाले को जुल्म करने वाला डर रहा है, मजलूम को कोई खौफ नहीं है कि कितना जुल्म और कर सकता कर ले। एक शेर है किसी शायर का, जुल्म कहता था नहीं, जुल्म कहता था करो आह के जल जाए जहां,
ये कितना जुल्म हुआ है बैतुल मुसल्लात व सलाम पर। जुल्म कहता था करो आ के जल जाए जहां, सब्र कहता था नहीं सैयद सज्जाद नहीं, सब्र कहता था नहीं सैयद सज्जाद नहीं। तारीख कहती है इमाम ने फरमाया यजीद मैं अपनी फूफी से मालूम करके बताऊंगा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, कहा है बेटा हम जाना तो चाहेंगे मदीने लेकिन बेटा ऐसे नहीं जाएंगे। कहा फिर फूफी अम्मा कैसे जाएंगे? कहा कि यजीद से कहो कि 3 दिन के लिए एक मकान खाली करा दे, 3 दिन के लिए एक मकान खाली करा दे। मैं इस नुक्ते पर जो है वो थोड़ी गुफ्तगू करता लेकिन इस वक्त नहीं करूंगा, 3 दिन के लिए एक मकान खाली करा दे। अमा अगर ये रोना बिदत है, ये इमाम हुसैन के गम में बैठना बिदत है, हैं? तो जब सबसे पहले जनाब ज़ैनब ने यजीद से मकान खाली कराया था तो यजीद या यजीद के दरबार में बैठे हुए किसी हाफिज कुरान को खड़ा होना चाहिए था और खड़े होकर कहता कि ऐ ज़ैनब तुम तो नबी की नवासी हो, ये बिदत क्यों अंजाम दे रही हो, ये बिदत क्यों अंजाम दे रही हो? यकीन जानिए अगर ये बिदत होता और यजीद को जवाब दे देता तो जनाब ज़ैनब के पास कोई जवाब ना होता, खामोश हो जाती। कहा पहले हम 3 दिन अपने अजीजों का मातम करेंगे, 3 दिन अजीजों का मातम करेंगे और दूसरी शर्त ये है कि जो तबर्रुकात लूटे गए हैं कर्बला के मैदान में उसमें मेरी माँ जनाब फातिमा ज़हरा के हाथ के बनाए हुए रुमाल थे, लिहाजा उन तबर्रुकात को वापस भेजा जाए। लिहाजा जाने के अभी तबर्रुकात भी वापस मंगाने की शर्त रखी। तीसरी शर्त यह है कि हमारे शहदा के सरों को वापस किया जाए। जब से हम कर्बला से चले हैं ये सर नौ के नेजा पे बुलंद हैं, हमें इन सरों को अपनी आगोश में लेना नसीब नहीं हुआ, इन सरों को बोसा देना नसीब नहीं हुआ, इन सरों को गरीब रखना नसीब नहीं हुआ। हाँ अभी तो सुन ली आपने, अरे ये हारा हुआ शर्तें नहीं रखता, हमेशा जीता हुआ शर्तें रखता है। सैयद सज्जाद शाम को बाद में छोड़ेंगे, पहले यजीद के सामने अपनी जीत का ऐलान करके आएंगे। यजीद देख तू हार गया, हम जीत गए। इमाम इस काफिले को लेकर के निकल रहे हैं। हाँ अभी तो बस एक मंजर याद दिलाऊं मैं आपको, एक मरतबा तबर्रुकात लूटे हुए वापस आने लगे, बीवियों की चादरें वापस आने लगी। अब जब बीवियों की चादरें वापस आई, जिस बीवी की चादर आती जनाब ज़ैनब लेती और लेकर के उस बीवी के हवाले कर देती, ऐ बहन उम्मे कुलसूम तो तुम्हारी चादर आ गई, तुम्हें बंदे का बड़ा गम था कि तुम्हारी चादर छीन ली गई। हाँ अभी तो उम्मे लैला की चादर आई, उम्मे लैला के हवाले कर दी, उम्मे फरवा की चादर आई, उम्मे फरवा के हवाले कर दी, रबात की चादर आई, ज़ैनब ने रबात के हवाले कर दी। अचानक से छोटी सी चादर हाथ में आ गई, एक बंदा ज़ैनब फैल गई, बीवियों में नजर की तड़प गई, अरे चादर की लेने वाली दुनिया में न रही। एक बंदा चादर को लिया, कब्र सकीना की तरफ बढ़ी, लहजे की सकीना, अरे हमने अपने बालों से सरों को छुपाए हुए थे, जब तक इस दुनिया में रहें मोहब्बत अहले बैत के साथ रहें, जब इस दुनिया से जाएं मोहब्बत अहले बैत के साथ। वाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमें सीरत अहले बैत पर चलने की तौफीक अता फरमाएं।
वाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारी माओ बहनों को सीरत जनाब ज़ैनब ज़रा सकीना पर चलने की तौफीक अता फरमा। वाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इन रोज़ की आवाज़ों पे अली नाथ को रहमत नाज़िल फरमा। वाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे महबूब हमारे ईमान के ज़हूर में ताक़ीद फरमा, हमारा शुमार कबूल फरमा।